हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बजे है 10:45। वेदर खूप छान झालेलं आहे। आज सकाळपासूनच पाऊस येत आहे। आज दिनभर दिन होने का ही है। अभी आज सुबह से ही बारिश आ रही है हमारे नागपुर में, और वेदर एकदम ठंडा यानी अच्छा हो गया है। और ये देख लो मेरे अपने छोटे छोटे मेरे बच्चे यानी पौधे, थोड़े आज वो जंगली गुलाब के फ्लावर भी लगे हैं। और अभी मैं खाना बनाने वाली हूँ, और हमारी खुरपी भी बारिश का मज़ा ले रही है। और मेरी जो भाई आई है ना, ऐसी बड़बड़ कर रही है। मैं दिखाती आप लोगों को, आप लोगों को दिखाती। झाला का पोळ्या? मग काय म्हणता, कसा झाला गणपती? गणपती नाही, तुम्ही कुठे महालक्ष्म्याला गेले होते ना? तर म्हणून मग मी त्याचा आता याचा काही मी तुम्हाला रेसिपी वगैरेचं हे नाही, याच्यामध्ये काय टाकलेलं आहे। सगळ्या मिक्स डाळी घेतल्या, मुगाची, उडदाची, चण्याची, मसूरची आणि अजून लाखाची, ह्या सगळ्या डाळी आहे। ह्याला भिजत टाकलं 4 ते 5 तास आणि मग बारीक करून घेतलं। याच्यामध्ये अद्रक लसण, कढीपत्ता, सांबार, तिखट, मीठ आणि थोडस जिरं टाकलं आणि ओवा आणि तीळ हे सगळं टाकून बस हे बॅटर तयार केला। आणि याचे आता वडे, तर कधी आपण वडे पण करू शकतो किंवा याचे पकोडे पण। आता मी सेकंड लॉट जो आहे तो पकोड्याचा टाकेल। मला स्पेशली मला वडे आवडतात, तर म्हणून मी माझ्यासाठी पहिले वडे काढते। आणि माझं देवीचं नैवेद्य, मोठी देवी आहे नाही, हिचा नैवेद्य तर मी काय करते, हे आपले असे वडे काढून घेते। आता याच्यात थोडस मीठ वगैरे कसं काय झालं ते पाहून घ्यायचं टेस्ट करून, आणि मग सेकंड लॉट टाकायचं। दाखवते मी, गरम आहे तुम्हाला टेस्ट करून पाहू। तुम्ही और क्या, तुम्ही वडे कसे हो? त्याच्यामुळे तसं काही आपला काही लता मंगेशकरचा आवाज आहे नाही, पण येऊ ना थोडस चांगला कधी कधी, पण आता सर्दीमुळे आवाज गेलेला आहे। तर आता मी हे थोडं टेस्ट करून पाहते। मीठ कमी वगैरे आवडत नाही मला, तसंही मीठ खूप आवडत आहे। माकडे तिकडे टाकायचे थोडेसे, त्याला थोडेसे असे काटे काटे आले पाहिजे, असे भज्यासारखे टाकायचे बस। पकोडे एक तीर में दो निशान, कैसे, एक में वडे और एक में पकोडे। और थोडेसे वडे बना लूंगी, तीन से मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तीन तो मैं ऐसे ही खा लूंगी। तो इसीलिए अभी ये इन लोगों को पकोड़े पसंद है, रॉम्पी को, डैडी को वगैरह, तो उनके लिए पकोड़े कर लेती हूँ और खुद के लिए वड़े बनाऊंगी। आप लोगों को बताओ क्या होना, पकोड़े या वड़े क्या होना, आप ही बताते जाओ कमेंट्स में। ऐसा तो नहीं, और अपना चैनल अच्छा बढ़ जाएगा ना, फिर अपन मिलेंगे। जब मैं कहीं भी आऊंगी ना, तो इंस्टाग्राम पे फिर डालती जाऊंगी कि अरे इधर आ रही हूँ, तो बढ़ना है तो इसीलिए तो सब्सक्राइब करो ना। अपने होकर तो बस इस तरह से, ये देखो, ये होटल के जैसे पकोड़े, ये फोकस 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 फोकस, ये है, थोड़े कच्चे हैं, इसको अभी कड़क करेंगे।
मैंने उस बाकरे के यहाँ का है, बाकरे सर जो आए थे अपने यहाँ, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, तो देखो डेकोरेशन इतना सुंदर किया है, पूरा मोर अरे ये पीकॉक का डेकोरेशन किया है और बहुत ही सुंदर है। हर बार ही उनके यहाँ का अच्छा रहता, लेकिन अभी पिछले साल वगैरह कोरोना की वजह से तो हम लोग आ नहीं सके, लेकिन मैं सोची थी कि जब भी मैं जाऊंगी तो आप सबको शेयर करूंगी। तो ये देख लीजिए, और सब लोग भी खाना खाने आए हैं और सब अच्छे से तैयार होके बैठे हैं। हाय करो सकेन्ना, और ये बाकरे साहब और दीदी, अरे हाय तो करा दोनों, और ओ न्यू कपल तो नाव सर ली पूजा पूजा कर बोल पूजा पूजा है मिस्टर। हाँ, तो ये इनके यहाँ का अभी भी शादी हो गई है इन लोगों की, तो अभी पुणे में रहते हैं और वहाँ से आए हैं गणपति के लिए, तो भाई दिख नहीं रही लेकिन पीछे से आवाज़ तो देखो अभी हम लोग खाना भी खाएंगे, तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ हमारे विदर्भ का खाना कैसे रहता। आप लोगों ने देखा तो है ही, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको सबको दिखाऊंगी। और ये सब इनके गेस्ट है, हाय कीजिए सब, सांगा तुमसे नाव वगैरह पट 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 सांगा। निमजे और पिउशी मावशी मावशी, तो ये सब भी आए हैं और आप सब भी आ जाइए हमारे गणपति का दर्शन लेने के लिए और डेकोरेशन देखने के लिए। डेकोरेशन तो आप ऐसे देख ही लोगे। और ये है हमारे बाकरे साहब, तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद खाना खाने को बैठते हैं, अभी थोड़ी बातें बातें कर भी तो कहता है टाकुन दिन आवाज का थोड़ा सा जाईली हमरा ते गेला रे जाईल ना, मी नक्की जाईल। हां दीप्ती कडे जायचं आहे, त्यांच्या दारा जवळच राहते। हां जाईल मग दीप्ती कडे। और ये है हमारा आज का खाना, ये है पाटोड़ी की सब्जी जो हमारे विदर्भ की फेमस है, और कढ़ी, ये दाल भाजी, और इसको क्या बोलते हैं बालूशाही। तो आ जाइए सब खाना खाने। तर हा होता आजचा आपला गणपतीचा ब्लॉग, तुम्हा सर्वांना कसा वाटला? तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको सब्सक्राइब करना है, और गणपति बप्पा की कृपा हो और अपना चैनल बहुत बड़ा हो जाए, बस यही आशा रखती हूँ। और आप सबको भी खुशियाँ मिले और जो भी आपकी इच्छाएं वो पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सुखाना रहा सोई नहीं रहा, आणि रूपरेखा जीने की रहा बघत रहा। नमस्कार माझ्या सगळ्या सगळ्यांकडनं मी तुम्हा सगळ्यांचा नमस्कार मी गणपती बाप्पाला करते, आणि गणपती बाप्पा तुमची सगळ्यांची इच्छा पूर्ण करो। चला ओके बाय बाय, इन सबको भी आप सबके साथ बात करनी है, तो बोलिए क्या करना है? गणपती बाप्पा बोल पुढच्या वर्षी लोकप्रिय।